रायसेन के गौहरगंज में प्रतिबंध के बावजूद स्टोन क्रेशर गोदाम में डायनामाइट से ब्लास्टिंग की जा रही है। इससे आसपास के क्षेत्रों में मकानों में दरार आ रही है। इसके साथ ही खदानों से निकलने वाले पत्थर लगने से मजदूर भी घायल हो रहे हैं। पत्थर भी कई मीटर तक उड़कर जाते हैं, जिसके कारण कई ग्रामीण भी इससे घायल हो गए हैं। वहीं क्रैशरों पर ब्लास्टिंग करने वाले जय सिन्हा ने जब डीएनएन प्रतिनिधि देवेंद्र चौहान से चर्चा की तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। इसके साथ ही डायनामाइट लगाकर ब्लास्टिंग ना करने की बात कही। बता दें कि नियमों को दरकिनार कर नेशनल हाईवे के आसपास फैली क्रेशर गोदामों में डायनामाइट लगाकर ब्लास्टिंग की जाती है। हाल ही में ब्लास्टिंग की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत भी हो चुकी है। भाई साहब ब्लास्टिंग होती है तो ये लोग कभी कभी तो कहते भी नहीं है, और ब्लास्टिंग होती तो पत्थर पूरे घरों पे आते, मतलब बगैर बोले ब्लास्टिंग कर देते। हाँ, कभी कभी बगैर बोले मान लो के तो बोलते नहीं हम कई बार हमने कहा के साहब आप ब्लास्टिंग अपने हिसाब से चलवाओ, बोले हाँ ठीक है बस ये सके चले जाते हो करवा देते हैं ब्लास्टिंग, पत्थर ही पूरे मकानों पे आते हैं कई बार लोग। ब्रेक के लिए आप बने।